तूने जो आमिरगी बजाया सही बजाया, बाकी यार थोड़ा गाली गलोच, तेरे को बच्चे लोग भी दिखते हैं यार मेरी जान यार, ये भी तेरा फैन है, सोच 8 साल का है, ऐसे तेरे वो मेरी बहन का बेटा, बहुत सारे तेरे फैन है मेरी जान। बाकी मैंने देखा तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं बोला और किसी के लिए, ये आमिर की तूने बजाया सही बजाया। बाकी लव यू, मैं जो बोला हूं ना वो देख, आज तक मैंने कभी जिंदगी में पीएम सीएम डीएम किसी के लिए एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन ये रात से रो रहा है, रात से रो रहा है कि पापा कैरी मिनाटी इज नॉट अ बैड पर्सन, कैरी मिनाटी इज नॉट गुड लाइक नॉट अ बैड गाय, इज एवरीबॉडी, ही मेक मी लाफ एवरी डे एंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही मेक सो मेनी वीडियोज। ए कैरी बाबा, गाली वाली मत दे मेरी जान, ठीक है, लव यू, अपना ख्याल रख, अच्छा कर रहा है। मुझे तेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि तू 19 साल का है और इतना बड़ा यूट्यूबर है और तूने इंडिया का नाम इतना रोशन किया है और बच्चे लोग तेरे को फॉलो करते, लेकिन जानू वो 18 प्लस का वो डाल देना यार कि 18 प्लस के लोग तेरे को देखे, वरना क्या होगा ना, गाली गलोच इन लोग भी सीख जाएंगे। लेकिन इंटरटेनमेंट इज नंबर वन, देखा मैं बहुत हंसाया तूने, और तूने जो आमिर बाबा लिया वो भी अच्छा लिया, और मेरा जो वो पहले वाला मैसेज था वो ठगेश के लिए था जो रमजान के बारे में गलत बोला था, उसने सॉरी का वीडियो डाल दिया है, मैंने तेरे को भेजा ला, दिखा ना, मुझे नहीं पता था 19 इयर्स ओल्ड है वो और उसके फैन भी सब बच्चे लोग है, बच्चे लोग सब मेरे पे लटक गए, मेरा बेटा भी बोल रहा है कि नो आई डोंट लाइक यू पापा, तो मेरे को समझ में आया भी नहीं गया भाई कौन है ये। कैरी मिनाटी कीप रॉकिंग, अपना काम करते रहो अच्छे से, खाली गाली मत दे छोटे यार, और बाकी कोई भी आओ भाओ और कोई भी आना शाना अपने सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और ना अपन कैरी मिनाटी से डर गए, ना किसी से डर गए, ना किसी से डरते हैं, जो सही है वो सही है। कैरी ने अपने वो कुछ नहीं बोला, रमजान को भी उसने कुछ नहीं बोला, मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और हाँ यार छोटे, तेरे फैन लोग को भी बोल के इतनी गाली गलोच पब्लिक के उस पर जाके, वो क्या नाम है फैसू आवेश, इन लोग को मत करो जानू, खत्म करो इसको। कैरी बाबा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो और इंडिया को प्राउड करते रहो। पहली बात तो ये अजवे खजवे लोग को ये बोलता हूँ मैं, भाऊ भी किसके बाप को डरता नहीं, तुम्हारे जैसे लवड़े ना बहुत आए बहुत गए समझा। तो पहले ना जो दूसरों के वीडियो देखो कि सामने वाला किसको क्यों गांड मार रहा है, सबका लंड कंधे पे मत लो, जिसने गलती किया उसकी गांड मारता है और हम लोग को मारना ही पड़ता है, तुम लोग घर पे गांड दबा के बैठो। तो अभी देखा मैं कैरी मिनाटी भाई, तेरे को सॉरी बोल दिया पब्लिक ने, ऐसे होता है जिधर वजन उधर भजन, जिधर वजन उधर भजन होता है ना। उसने कौन सा सब यूट्यूबर के बारे में बोला था, सारे यूट्यूबर के बारे में थोड़ी बोला था उसने, कैरी ने, जो गांड में उंगली करेगा उसकी गांड में हाथ डालना जरूरी है, बाकी वो जितने भी है अपना कर रहे, कमा रहे, नाम कमा रहे, कमान दो ना, मगर जो गांड में उंगली करेगा हमारे यूट्यूबर के, तो गांड में तो बम्बू डालेंगे ना हम लोग ज्यादा समझते हैं किसी किसी को, अजूबे खजुबे लोगों को, तो जरा खुजाना कम करो, तो क्या रही टेंशन नहीं लेना, तेरे को क्या बोला फोन पे भी, टेंशन नहीं लेना तू, है जिंदा अभी हम लोग, अभी तक हम लोग उतरे किधर उतरने की जरूरत ही नहीं, एक है छोटा सा हो तूने ही संभाल लिया उसको, बाकी हमारे को उतरने की जरूरत भी नहीं। नहीं नहीं वो 07 वालों क्या किया रे, उन लोग ने थोड़ी कुछ किया, ये तो कौन है क्या उसका नाम भी नहीं मालूम, नया नया ड्राइवर ज्यादा हॉर्न बजाता है ना, ऐसे कोई था नया ड्राइवर तो हॉर्न बजा रहा था, पर समझ गया वो यूट्यूबर वालों की पावर क्या होती हो, और बहुत लोगों की आदत है फटेले में टांग अड़ाने की, रहती है चीज इतनी सी, मगर ये आ जाते
बंटा ये बोलने का नहीं, ये नहीं के लिए बैठो ना यार चुपचाप घर पे, बैठो चुपचाप घर पे। अरे सब अपने भाई है एकदम यार, समझा। आशीष चंचलानी होने दे, शुभम मिश्रा होने दे, कैरी मिनाटी होने दे, और ये अपने आए और बहुत सारे अब अपने भाई है। हर कोई अपनी जगह पे, हर कोई अपनी जगह पे परफेक्ट। तो इसके उसके ऊपर उंगली नहीं उठाने का, समझा। खुद के गांड के नीचे कौन सी अगरबत्ती जल रही है ना, पहला देखने का, दूसरे के ऊपर ना उंगली नहीं उठाने का। अरे तुम लोग कमीने, मैं दोपहर को मैं वीडियो उसका उसको कॉल किया, वो बताया तो उसमें साला नंबर आया बेचारे का, उसको सब लोग कॉल किया रे। वो मेरे को कॉल किया अभी, मेरे को बोला भाऊ आपने लाइव में बताया कि मैं क्यारी को फ़ोन कर रहा हूँ, और सालों आप लोगों ने वो नंबर लेके उसको कॉल कर दिया बेचारे को। कितना सत्ता तेरे तुम लोग, उसको बेचारे को मेरे को सॉरी बोलना पड़ा बेचारे को यार। मेरे को क्या लगा सिर्फ नाम आता है नंबर नहीं आता है, इसलिए मैं दिखाया। तुम लोग कमीने लोग ने बराबर नोट करके उसको फ़ोन कर दिया। बस मैं यही बोलना चाहता है, यूट्यूब की भी फैमिली, टिकटॉकर की भी फैमिली, सबको बोलना चाहता है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उतारो, सब मिलके रहो, मिलके रह के दुश्मनों की गांड मारो, गद्दारों की गांड मारो, आपस में मत करो। और कोई वो अज्जू बज्जू गड्डू इन लोग का सुन के आपस में झगड़े मत करो। ये दादागिरी बहुत देखे, दादागिरी बहुत देखे, समझा। तो अभी दादागिरी करने का टाइम नहीं हो। कैरी मिनाटी को मैंने सॉरी बोला है, वो इसीलिए बोला है कि जब इंसान गलत होता है तो उसको सॉरी बोलना, ये मेरा इस्लाम मेरे को सिखाता है कि अगर एजाज तेरी इज्जत चली जाएगी तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। और दूसरा इंसानियत भी यही बोलती है कि अगर गलत हो तो बोलो, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को अलग वे में ले जा रहे हैं कि एजाज खान डर गया। अबे बच्चों, बाप किसी से डरता नहीं है, बाप बाप है। और दूसरी बात, जो सही है उसको तुम पॉजिटिव चलाओ ना। अब तुम उस चीज़ को कैरी मिनाटी के नाम पे कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हाँ काय के लिए, कैरी को फ़ोन किए, कैरी को ये किए, कैरी भाई हम तुम्हारे साथ है। अरे उसको तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ अल्लाह है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तू गलत है एजाज, ये पहला इंसान है। सुन, हिंदुस्तान का पीएम बड़ा कि कैरी मिनाटी बड़ा, अभी इसका जवाब देना। मैंने कभी पीएम सीएम को कभी सॉरी नहीं बोला, इसको डर के नहीं, कैरी को खुद पता है कि ये डर वाला सॉरी नहीं है, ये पछतावा वाला सॉरी है। तो इस चीज़ को ज़्यादा घान मत करो, इस चीज़ को अच्छे से रहने दो। अगर गट्स है ना, तो ऐसा एक भी यूट्यूबर या टिकटॉकर या कोई भी ऐसा इंसान लेके आओ जो लाइव में सॉरी बोलने की ताकत रखता हो। मेरे यारों, मेरे प्यारों, कैरी के फैन से भी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जो दो तीन चार लोग जो बोल रहे हैं ना, कैरी के नाम पे फॉलोवर्स ले रहे और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे, उन लोग से कहूँगा कि बेटा, जिस तूफान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं ना, उस तूफान में भाई अपनी पैंट सुखाते हैं। तो भाव भाव ढाव ढाव ये जितने भी है सब समझे ना, इतना ये ना तो सामने सामने आ जाने का, कैरी बच्चे का फायदा मत उठाओ। कैरी मेरी जान, ये पठान ने तेरे को दिल से बोला है, हिंदुस्तान में याद रखना, मैं गलत था इसलिए। जे भाई एजाज खान का वीडियो देखा, ही सेड सॉरी टू यू। नहीं भाई, मैंने भी पहले वाला नहीं देखा, दो वीडियो आ गए क्या? इट्स नाउ वेलकम टू माय गाइस, लाइव है, दोनों ही लाइव है। अच्छा देख लेंगे, कोई बात नहीं। कतई एजाज खान ने सॉरी बोल दिया, बख्श देना उसे, मैंने देखा ही नहीं है यार अभी। एजाज खान सन इज योर फैन एंड ही क्राइड फॉर यू, सो एजाज स्टेप्ड बैक, सो वॉच हिज सेकंड वीडियो, इग्नोर फर्स्ट, योर ऑल फैंस आर क्रेजी। अरे थैंक यू सो मच, इट्स नाउ वेलकम टू माय गाइस, क्या बात है, मच लव टू हिज सन, अगर वो मेरे फैन है, मच लव टू हिज सन, इट्स
यूपी है तेरे साथ, वहाँ चोट देंगे उसकी, जिसने तेरे को हाथ भी लगाया, तू फिकर मत कर, हम लोग हैं, ओके, लव यू फ्रॉम यूपी, आर थैंक यू सो मच भाई आशीष। क्या कर रहे हैं यार, मेरे को नहीं यार इन चीजों में तो हमें पढ़ना ही नहीं यार, हम तो वीडियो पर आते हैं, मजे करते हैं, आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, दैट्स इट। सर्च गोबर आउट ऑफ जोन बाय कह के लूंगा, इट्स जी फॉर, देखते हैं भाई। भाई एजाज खान तेरे को सॉरी बोला फॉर थ्रेटनिंग यू, कोई सीन नहीं है भाई, मैंने तो यार अभी देखी नहीं है, मेरे को जो सीन ही नहीं पता है भाई। हिंदुस्तान विभाग ने नंबर लीक कर दिया, अरे आई नो यार, कोई बात नहीं, गलती से हुआ है, मैं देख रहा था भाई, गलती से हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कल एजाज खान ने सैनिटाइजर से अल्कोहल निकाल के पे उल्टा सीधा बोला था, अब अल्कोहल का नशा गया, बाप कौन है याद आ गया, इंस्टा पे तो बंदे वेलकम टू माय गाइस कोरोना, और कैरी भाई इससे बचना, एक कोरोना जो बाहर निकलने पर मारता है, दूसरा कैरी भाई औकात से बाहर निकलने पे मारता है। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, फैजू वाली थ्रेड कॉल कब लीक करेगा भाई, मैं नहीं करूंगा, और पहली बात मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की है, मैं बेंच उन चूतियों में से नहीं हूं जो कॉलर रिकॉर्ड करे। चल भाई आज कितने कॉल्स आए हिंदुस्तानी भाव के फैंस से, अरे भाई पूछ मत यार नंबर ना। का नंबर रिलीज हुआ ना वैसे? नहीं मैं तेरा चूतिया काट रहा था। मेरा ही हुआ है, बट तब बोलनी नहीं थी, जब तक लोग अपने आप से ना समझ जाएं। अब वापस नया नंबर लेना होगा तेरे को, सैड यार। हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने मंगा लिया है, वो पता नहीं आएगा जैसे तैसे। वेलकम कैरी, तेरे खौफ जॉन विक जैसा हो गया है, तेरे बारे में जानने के बाद। अरे भाई अभी लाश, अपन यहाँ ऐसा नहीं करने का है, अपन को नॉर्मल बस काम करने का, वीडियोस बनाने का, लोगों को भोकने वालों को भोकने दो, तू शेर है और रहेगा, बाकी समझ जा किसके लिए था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। एजाज खान की वीडियो देखना, देखो ना स्ट्रीम पे हमारे साथ, बाय द वे बिग फैन कैरी भाई, हिला डाला अपने यूट्यूब को, अरे थैंक यू भाई। नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा, मैं वो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी भाई, जितना भी एजाज खान आ जाए, अली भाई तेरे साथ है, अरे थैंक यू भाई। एजाज खान ने मुंह दिया भाई, कैरी नीड यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक 2.0, मैं ठीक से भरा नहीं मन, बाय द वे वेल प्लेड, मन भरा नहीं का क्या मतलब होता है तुम्हारा, अबे और क्या चाहिए तुम्हें, आई एम लविंग इट, कैसे कहा ताजमहल दे दे तुम्हें, है ताजमहल में बिना मानो भाई। भाई एजाज खान ने सॉरी मांग लिया भाई, मुझे मैटर पता ही नहीं है यार भाई, बहुत जबरदस्त बजाया है फैजी एंड फैजू वाले पार्ट, वाज मोस्ट अमेजिंग, थैंक यू सो मच ब्रदर। जॉन विक कैरी पेंसिल वीडियो किसकी घुसी, ए ये देखो सारे आ गए चूरन और वो, ए टीम नंबर सुनो अरे भाई अबे टीम नंबर चेंज करो, आइए फैजू के चैनल को रिपोर्ट करते, क्यों भाई रिपोर्ट फुटबॉल है ये सब नहीं करने भाई काम, देखो मैंने वापस वही बात बोली, मजे अपनी जगह है लेकिन यहाँ हमें करियर बर्बाद नहीं करना है भाई। एजाज खान को रिप्लाई दो प्लीज, आया भाई मैं नहीं दे रहा भाई किसी को रिप्लाई, माफ करो, पता नहीं लोग इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता, या तो बैन चुत या तो मैं ही सिर्फ चूतिया हूँ अकेला, ठीक है जो इन चीजों को सीरियसली लेता नहीं है, बट पता नहीं कुछ लोग इतना ज्यादा बैन चुत सीरियस ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। अजय क्या पॉइंट है, नाराज होने वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो बहुत पर्सनल हो गया, जब बैंक जो तुम पे वीडियो बनी है ऐसे सीन है तो फिर तो कतई सब ओपन ओपन है ना, उनका पत्ता कड़वा है एजाज खान, देख भाई रहने दो छोड़ो ना, हमें हमें नहीं बोलना भाई, बता दे भाई कैरी स्क्वाड में भी डाल दे, क्या थैंक यू स्क्वाड में भी डाल दिया है मैंने, क्यों भाई कैरी अपना नंबर इतना लीक करवाता है कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, अब नंब हो चुका हूं मैं। एजाज खान के बेटे ने कहा सॉरी बोलने को, अरे चलो वेलकम माय गाइस यार, हमारे कैरी डासिया भाई से बात की होती ना हम बच जाते, के कॉल किया था उन्होंने हाउस से बात की, के कॉल किया था उन्होंने, अरे कुछ नहीं वही वही बता रहे थे कि उनसे गलती से नंबर लीक हो गया था, और कुछ एजाज खान का बेटा फैन है तेरा, लव्स भी भेजा है, अरे क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, लव टू हिज सन।